तो नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आप सबका जेके स्टूडेंट आर्ट्स में सो so, सबसे पहले जम्मू यूनिवर्सिटी का थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं होने वाले हैं और जैसे कि फिफ्थ सेमेस्टर के शुरू भी हो चुके हैं राइट सो so, अब आपके दो एग्जामिनेशन तो हो चुके आज पोलिटिकल साइंस का था जैसे कि मैंने सुना था आपके ग्रुप्स में राइट उसके बाद हम बात करेंगे कि वेबसाइट क्रैश होती है या जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं अटेंडेंस लगी या नहीं लगी वो कैसे देखना है वो सब प्रॉब्लम्स जो है हम इसमें डिस्कस कर लेंगे सो ठीक है मैं सो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करूँगा सो सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखना आप वीडियो पूरी नहीं देखते हो बात नहीं समझते और उसके बाद मैं एंड में बोल देते हो कि ये हो गया प्रॉब्लम ये हो गया ठीक है कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो सुन लेना आपका डाउट्स मैंने क्लियर किया होता बीच में तब भी आप कमेंट करते हो ठीक है ये ऑफिशियल साइड है लगभग सबको पता होगा फिफ्थ सेमेस्टर वालों को और थर्ड वालों के लिए ये ट्रायल भी रहा जाएगा ठीक है ये मैंने डेस्कटॉप साइड पर कर लिया अभी फिलहाल आपको कोई जरूरत नहीं होती है ये करने की ठीक है जैसे मैंने डेस्कटॉप पर की तो देख सकते हो आप यहाँ पे आपकी क्विक लिंक्स है जो ठीक है क्विक लिंक्स में क्या लिखा हुआ है पेपर लिंक्स यू जी फिफ्थ सेमेस्टर ये जो आपके लिंक्स थे पेपर के ये आपके पेपर्स हैं जो गूगल ड्राइव में खुल जाएंगे फॉर एग्जाम्प मैंने ये वाला एक खोल लिया जो आपका खुल जाएगा ठीक है फिर हम पीछे चलते हैं और पेपर मोड यू जी एग्जाम मोड यू जी एग्जाम में जब आप जाओगे यहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्ट करना है आपका यू जी कोर्स है ठीक है सबसे पहले अब जो आपका सेमेस्टर है तो थर्ड वाले थर्ड डालेंगे फिफ्थ वाले फिफ्थ डालेंगे ठीक है अब फिफ्थ की एग्जामिनेशन करके हम फिफ्थ की एग्जाम्पल करके दिखाएंगे फिफ्थ का डाल दिया नेक्स्ट है आपकी सिलेक्ट कराएं नॉन सी बी एस या सी बी सी एस है तो वो सी बी सी एस डाल दिया और एग्जाम की डेट आज जो आपका आठ तारीख थी आठ चार दो हज़ार बाईस ठीक है ये भी कर लिया आप कॉलेज का नाम फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया जी डी सी मजा ठीक है जैसे ले लिया मैंने अब ये आपका होगा सिलेक्ट उसके बाद आपको लिखना है क्लिक हेयर फॉर द लिस्ट जैसे क्लिक एयर फॉर द लिस्ट की आपके डाटा आ गया पूरा इसी कॉलेज का डाटा आया ठीक है डाटा के हिसाब से स्टूडेंट आई डी रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम और फिर आपका आज गया पेरेंटेज और सब्जेक्ट कोड एंड देन ऑनलाइन अटेंडेंस अटेंडेंस सबकी लग गई है ये जो जी डी कॉलेज के स्टूडेंट है इन सब की जो अटेंडेंस है वो लग चुकी है तो अब आपका डाउट था कि कैसे आपको अटेंडेंस कब तक लगानी थी ये सब उस था आपका सबसे पहले देखो जिस चीज़ की अटेंडेंस नहीं हुई है इट्स ओके okay. अब पेपर हो गया अब आपकी अटेंडेंस नहीं भी हुई अगर कोई यूनिवर्सिटी एक्शन लेती भी है तो अब लेगी ही वो ठीक है अब तो दोबारा पुराने पेपर की अटेंडेंस होगी फिलहाल यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं था आपके लिए कि आपको जरूर ही अटेंडेंस अगर नहीं लगी बाई चांस आप तो जान ही निकालनी है कि अब अटेंडेंस नहीं लगी तो इट्स ओके okay, अगर नहीं लगी है तो ठीक है बट आपको चेक कर लेनी है कि आपकी लगी या नहीं लगी आपने उनको पी डी एफ भेजा उसके बाद आप पी की हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में दोगे वाइवा दोगे ये सब भी अटेंडेंस में ही आएगा उनको पता लगेगा कि इस बच्चे ने सब कुछ दिया अगर अटेंडेंस नहीं लगी है तो उनको भी है कि उनकी वेबसाइट कैसी चल रही थी यह यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स के कोई प्रॉब्लम नहीं थी ठीक है आप सब अगर एग्जाम ऑनलाइन कर रहे हो मांग तो सब एग्जाम जो है ऑनलाइन है तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं थी ये यूनिवर्सिटी की आ, जो है प्रॉब्लम थी कि उनकी वेबसाइट जो है वो वीक चल रही थी उनकी वेबसाइट में क्रैश आ रहे थे वो क्यों जो ग्लिचेज हैं वो ठीक नहीं कर पाए ठीक है तो अगर अटेंडेंस नहीं लगती है किसी वजह से रैश पड़ जाता है वेबसाइट पर तो इट्स ओके ठीक है नहीं लगी ढाई बजे तक उन्होंने टाइम दिया था वैसे डेढ़ बजे से लेकर ढाई बजे तक एक घंटा दिया था लगभग सबकी लगनी चाहिए थी अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से बोलोगे आप नहीं लगी थी तो इट्स ओके ठीक है बाकी जो आपके डाउट्स हैं कि जैसे आपने हार्ड हार्ड कॉपी जो है वो कब सबमिट करवानी है आपको हार्ड कॉपी कॉपी तब सबमिट करवानी है जब आपके कॉलेज वाले एक्ट करेंगे ठीक तो है आपको नोटिस निकालेंगे तो विद इन टू तो सब कॉलेज की नोटिफिकेशन आएगी अपने ग्रुप जो है कॉलेज के उनके साथ कनेक्टेड रहो यहां पे यूट्यूब पे मैं आपको नहीं दे सकता वो अपडेट ठीक है मैंने एक देखा था जीडीसी डोडा जो है उनको बुलाया गया है ठीक है तो वो लेके जा सकते हैं अपना जो नोटिफिकेशन जो उनका आया है उस हिसाब से उनको पोलिटिकल साइंस की जो हार्ड कॉपीज और जो वाइफ -वा है उसके लिए अपेयर होने के लिए बोला गया ठीक है वैसे आपके जो भी कॉलेजेस हैं इन सब को जो है अपने अटेंडेंस जो है वो देख सकते हो आप अपने चेक कर सकते हो और उसके बाद अपने अपने जो भी कॉलेज से नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से वाइवा देने चले जाना ठीक है वाइवा में क्या पूछेंगे सब्जेक्ट तो आपका जो है उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे अब अगर जो क्वेश्चन होंगे वो तो जो वाइवा देने जाएंगे अब उनके हिसाब से पता लगेगा ठीक है सब सब टीचर अपने अपने हिसाब से लेंगे अब आपको वाइवा कौन लेगा आपके अपने कॉलेज के टीचर्स ही लेंगे अब आपको डाउट था पेपर कहाँ चेक होंगे नॉडल कॉलेजेस में होंगे ठीक है अब आपका एक और डाउट था कि पेपर जो है वो हमें कहाँ सबमिट करवाने है आपको नॉडल कॉलेजेस में नहीं जाना आपको अपने कॉलेज में ही सबमिट करवाना है ठीक है ये डाउट हो गया आपका तो ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे चेक करनी है मैंने आपको ये भी बता दिया तो चेक कर लो अपने अपने हिसाब से फॉर एग्जाम्पल एक और हम दिखा लेंगे कोई और बसोली का ले लेते हैं जीडीसी जी डी सी बसोली ठीक है सो so, जी डी सी बुसोली एंड देन क्लिक हेयर फॉर द लिस्ट जैसे ही क्लिक हेयर फॉर द लिस्ट किया देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट है जैसे कि पंकज कुमार अजीत सिंह इनके फादर का नाम है एंड देन इनकी अटेंडेंस नहीं लगी हुई है ठीक है खाली स्पेस है इधर ठीक है इसका मतलब नहीं लगी है तो इट्स ओके okay. अब ये थोड़ी है कि इनका पेपर कैंसिल कर देंगे इसी वजह से नहीं इन्होंने हार्ड कॉपी भी सबमिट करवाई है बाकी वाइवा देने भी ये जाएंगे तो दैट्स ऑल मीनिंग कि इनकी अटेंडेंस हो चुकी है इट्स ओके okay अगर नहीं लगी लग है आगे से ध्यान रखना वैसे ठीक है बैक चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि अटेंडेंस के लिए क्या बोला था उन्होंने कहाँ आपका नोटिफिकेशन आया था ठीक है सो सीधा हम क्वाइजू के ऑफिशियल साइड पर जाते हैं ठीक है जैसे लिखा मैंने इधर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन जम्मू यूनिवर्सिटी ऑफिशियल साइट ठीक है क्विक लिंक्स में जाओ पेपर लिंक्स यू जी फिफ्थ सेमेस्टर देखो ऊपर का लिखा हुआ है मार्क योर अटेंडेंस आफ्टर द एग्जाम आफ्टर सॉरी टिल थर्टी पी एम तो डेढ़ बजे आपका एग्जामिनेशन ख़त्म होना था उसके बाद भी एक घंटा दिया गया था आप कर सकते थे कंप्लीट ठीक है अगर दो बजे तक भी आप करते कंप्लीट तब भी आपका हो जाना था एक घंटे में हो जाता है ठीक है आपकी कुछ ऑब्जेक्शन थी जिसको आ, आपके जो कंप्यूटर सेक्शन थी जम्मू यूनिवर्सिटी ने वो सुनी थी बट फिर से रैश हुआ तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से था इट्स ओके राइट सो so, अब और कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो फिलहाल जो मैंने वीडियो में डिस्कस कर लिए पॉइंट्स ये मत पूछना ठीक है और बाकी है कि हमें कितना पेपर अटैम्प्ट करना है आपको पूरा पेपर ही अटैम्प्ट करना है आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं ऑनलाइन वालों को वो अपने हिसाब से इनको रिड्यूस करके सिक्सटी सिक्स अपने हिसाब से ले लेंगे बाकी जो थर्टी है वो आपका वाइवा हो जाएगा तो ये आपको कैलकुलेशन जरूर करने की जरूरत नहीं है आपको क्या लेना देना इस कैलकुलेशन से so, छोड़ो पर आपको पेपर देना है पास करना है अच्छे जो मार्क्स हैं वो गेन करने हैं ठीक है ओके सो ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको ज्वाइन कर लो उसमें अपने जो भी कॉलेज के फ्रेंड हैं उनको भी ज्वाइन करवा सकते हो एड यूज़र करके आपको एक ऑप्शन uh, मिलेगा उससे यूज़ करवा लो उनको ठीक है और बाकी डाउट होता तो दो दोस्तों भी पूछ सकते हो ऑल द बेस्ट